हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ कुकिंग विद जिली। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रिंजर और आलू की बहुत ही अच्छी और टेस्टी सब्जी, जो कि बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है। ब्रिंजर और आलू को मैं मीडियम में कट करके ली हूँ। एक बड़ा सा ऑनियन ली हूँ कट करके, एक बड़ा सा टमाटो ली हूँ और थोड़ा सा ग्रीन चिली कट करके ली हूँ। मस्टर्ड ऑयल कढ़ाई में गर्म किए, इसमें डाले हम लोग सरसों और जीरा। कट किया हुआ ग्रीन चिली को इसमें डाली ताकि ये तीखा भी ना लगे और टेस्ट भी अच्छा आए। कट ऑनियंस को इसमें डालेंगे, अच्छे से ऑयल में मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा फ्राई होने के बाद इसमें मैं डालूँगी हल्दी पाउडर और कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ताकि वेजिटेबल्स का जो कलर है बहुत अच्छा आ जाए। वेजिटेबल्स को इसमें मिक्स करके अच्छे से ऑयल में फ्राई कर देंगे 2 to 3 मिनट्स। फ्राई होने के बाद इसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये सब्जी बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत टेस्टी भी लगता है खाने में, एक स्वीट टेस्ट आता है। इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। लीड को कवर करके 5 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट्स के बाद देखेंगे मसाला अच्छे से कोट हो गया है। अभी मिडिल में थोड़ा सा स्पेस करेंगे और जो हमारा टोमाटो कट्स था उसको अंदर डालेंगे और थोड़ा सा अगेन सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट हमेशा सब्जी के साथ एडजस्ट करके ही डालिए। जितना सब्जी है उतना ही पानी ऐड करेंगे ताकि थीक सा और एक अच्छा सा ग्रेवी बन के रेडी हो जाए। सिम में 5 मिनट्स अगेन कवर करके रख देंगे। देखिए 5 मिनट्स के बाद हमारा सब्जी अच्छे से बन के रेडी हो गया है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि मसाला सब्जी में इवनली मिक्स हो जाए। इसमें अभी आप ऐड कर सकते हैं धनिया पत्ता। पोटैटो भी अच्छे से बॉईल हो गया है और अच्छा सा कलर आया है। आज का रेसिपी आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा लंच प्लेट का डेकोरेशन कैसे हुआ है ज़रूर बताइए। थैंक यू।